हेलो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस इस सीरीज के लेक्चर टू में आपका स्वागत है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस दैट इज सेम टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। अब जो क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो सबसे बेसिक चीज है, क्लास इज अ टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लासेस। जैसे हम पहले इंटीजर्स का एरे बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा इंटीजर, मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंटीजर ए 10, दैट मीन्स कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हमने ए रखा है और उसमें 10 इंटीजर्स रह सकते हैं। अब क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले एक क्लास बनाएंगे और देन हम उसकी 10 ऑब्जेक्ट्स का एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास। ईच एलिमेंट ऑफ एरे हैज अ यूनिक इंडेक्स। तो जितने भी एलिमेंट्स एरे में होंगे उनका एक अपना यूनिक इंडेक्स होगा और ये जो इंडेक्स हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। सो अगर हम बात करें कि इंट ए 10, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन ए 0। एन एलिमेंट ऑफ एरे इज असेस्ड बाय नेम ऑफ एरे फॉलोड बाय इंडेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने लिखा ए इज नेम ऑफ एरे एंड फॉलोड बाय इंडेक्स 0। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स को भी हम असेस कर सकते हैं, ए 1, ए 2 एंड सो ऑन। AI, where I is less than n, where n is size of array. That means कि अगर हमारे पास array का size n is equal to 10 है, तो हम maximum a 0 से लेके a 9 तक जा सकते हैं। इसी चीज को हमने mathematically यहाँ पे represent किया है। तो index will be 0 to 9, there will be 10 elements. एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा हेल्प करेगी। सपोज हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है अकाउंट। सो ऑब्वियसली वी नीड क्लास कीवर्ड फॉर दिस एंड देन लेट सपोज द प्राइवेट डेटा ऑफ दिस क्लास इज इंटीजर अकाउंट नंबर एंड देन नेम एंड बैलेंस। ऑब्वियसली देयर विल बी मेथड्स टू असेस दिस डेटा। So there are many methods for this. Just focus on these things which will be requiring data, requiring memory to when we'll create some object. So let's suppose we have made an array account. Let the name of array is A, and there are 3 members of this array. So when we declare this, we are saying that हमें एक block of memory चाहिए जिसमें 3 objects रह सकें इस account type की। So आप visualize कर सकते हैं कि हमें एक ऐसा block मिला और इस block में क्योंकि 3 objects हैं तो इस तरीके से ये हमें मेमोरी मिली। जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम अरे डिक्लेयर करते हैं बिकॉज इसका नाम है ए, तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा 0, पहले का हो जाएगा 0, दूसरे का हो जाएगा 1 एंड देन 2। सो टू असेस द फर्स्ट दिस वन वी हैव टू राइट इट एज ए 0। फॉर दिस वी हैव टू राइट ए 1 and then for this last one A2. Now this every this A0 is not an integer, now it's a object of type account.
सो अकाउंट जो क्लास है उसके अंदर तीन तरह का डेटा है, अकाउंट नंबर, आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि इसके फर्दर तीन पार्ट है। ये है हमारा अकाउंट नंबर, ये है नेम और ये है बैलेंस। सिमिलरली अगली ऑब्जेक्ट का यहाँ पे है अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। सो ए जीरो नाउ पॉइंट्स टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर अगर हमने जाना है अपने अकाउंट नंबर तक तो आपको यूज करना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर। सो ए जीरो डॉट अकाउंट नंबर। सिमिलरली अगर आपने नेम को प्रिंट कराना है, असेस करना है, चेंज करना है, तो आपको ए जीरो डॉट नेम चाहिए। एंड अगर आपने बैलेंस देखना है तो ए जीरो डॉट बैलेंस। सो इन दिस वे वी कैन असेस द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। तो इस पूरी चीज के लिए मैंने एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है, वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। लेट सी दी प्रोग्राम। सो दिस इज द प्रोग्राम जिसमें हमने एक अकाउंट नाम की क्लास बनाई है, एंड एज वी नो कि हर क्लास का अपना डेटा होता है और अपने मेथड्स होते हैं। सो हेयर वी हैव द क्लास अकाउंट इन विच वी हैव थ्री टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस, एंड देर आर पब्लिक मेथड्स टू असेस दीज डेटा आइटम्स, इनपुट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। और इन मेथड्स को हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनकी डेफिनेशन हमने बाहर इस क्लास से की है। क्लास की जो डेफिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके बाहर जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज रिटर्न टाइप ऑफ आवर मेथड, दिस इज द नेम ऑफ क्लास, दिस इज द नेम ऑफ क्लास अकाउंट हुज मेंबर इनपुट डेटा इज, एंड देर इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। सो इन दिस वी आर जस्ट गेटिंग द अकाउंट नंबर, नेम एंड बैलेंस। सिमिलरली इन डिस्प्ले डेटा वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर, नेम एंड बैलेंस। सो इन मेन वी हैव डिक्लेयर्ड एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड देन वी आर आस्किंग फॉर कि कितने अकाउंट होल्डर्स का डेटा यूजर एंटर करना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने एरे में जो एरे का साइज रखा है 10, तो मैक्सिमम वी कैन एंटर इज ओनली 10, सो अकाउंट नंबर। एंड देन वी यूज फॉर लूप टू असेस ईच एलिमेंट, ईच मेंबर ऑफ दैट एरे। सो इट स्टार्ट विद 0 एंड गोज टू 1 लेस देन एन। दैट मीन्स अगर कोई यूजर अगर यहाँ पे एन की वैल्यू हम 4 कर दें तो ये जो हमारा लूप है ये 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो जाके सेव होएगी ए सी सी 0 पे, सेकेंड ए सी सी 1 पे, 2 पे एंड 3 पे, फोर्थ हो जाएगा। सो इन दिस लूप व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम फॉर लूप चला रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये जो हमारा है ए सी सी 0 डॉट इनपुट डेटा, दैट मीन्स हम अपनी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए डेटा लेने के लिए इनपुट डेटा मेथड को कॉल करेंगे। अगेन आई विल बी इंक्रीमेंटेड इन दिस फॉर लूप एंड दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर आई इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स द डेटा विल बी एंटर्ड बाय द यूजर फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड सिमिलरली फॉर आई इज इक्वल टू 2 एंड आई इज इक्वल टू 3। Once we get the data of all the four classes, sorry, all the four objects,
this program will come out of that loop, and I'm assuming that we have entered the value n value of n as 4. Now again this loop will go on. Now second for loop, which will again go from 0 to 3, and it will display information account. First it will this statement will go for ACC 0, then for 1, then for 2, then for 3, and after 3 it will go out of this loop. So that's it. This is all about this program. So let's run this program for n is equal to 4. So for running this program, I have already compiled it. And now we need to run this. Yes. So we'll enter 4. So we have to enter the account number, name, and balance of first account holder. Let's say account number is 1, name is Ramesh, and balance is 1000. For second account number is 2, Ramesh, and account number is balance is 2000, and 3, and Rakesh, and 1500. And 4, Pankaj. So the first for loop has run for 0, 1, 2, and 3. 4 account details have been added. And we press enter. Now the second for loop has run, first for account number, information of account number 0, that means first account number. तो वी हैव एंटर, आपको जैसे पता ऊपर हमने एंटर किया था 1 रमेश और दिस बैलेंस, ये आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं. दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन शोन हियर. ये सेकंड अकाउंट नंबर इधर शो है, थर्ड नीचे, एंड फोर्थ इज 2500 वाला पंकज, दैट इज शोन हियर. सो जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का. यू सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको अपने सिंटेक्स पे ध्यान देना है, और जहाँ पे हम पहले फंडामेंटल या प्राइमरी डेटा टाइप यूज करते थे, वहाँ पे आपको क्लास का नाम यूज करना है. एंड देन यू हैव टू हैव दिस अकाउंट, सॉरी, एरे नेम, देन एरे साइज, और एरे के हर एलिमेंट तक जाने के लिए सेम सिंटेक्स, एरे का नाम और साथ में इंडेक्स. और उस, क्योंकि हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हैं, तो हर एरे की हर लोकेशन में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगी. तो ऑब्जेक्ट के किसी एक डेटा मेंबर तक जाना है तो आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना, या किसी मेथड तक जाना तब भी हमने डॉट ऑपरेटर यूज करना. तो फर्स्ट मेंबर का डॉट ऑपरेटर लगाया और मेथड कॉल किया. सिमिलरली हमने डिस्प्ले के लिए भी वही चीज यूज की है. तो आई होप आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम लेक्चर 3 में passing of object as argument करेंगे, which is again a very important and interesting topic. Thank you so much for watching.